आज राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों के द्वारा इतिहास में पहली बार इतना उग्र आंदोलन किया गया, क्योंकि वर्तमान जो जितने भी छात्र छात्राएं वो परेशान हो चुके हैं और राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र से ज्यादा राजकीय विधि महाविद्यालय का जो छात्र संघ है वो आने वाले छात्रों के लिए भी इतना संवेदनशील है उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो राजकीय विधि महाविद्यालय है इसमें केवल अजमेर के विद्यार्थी नहीं पढ़ते, इसके अंदर मान करके चलिए कि अजमेर से जो जुड़ी हुई 8 विधानसभाएं हैं उसके विद्यार्थी पढ़ते हैं, अजमेर जिले के आसपास के विद्यार्थी पढ़ते हैं। संभाग के सबसे बड़ा विधि महाविद्यालय होने के कारण, एकमात्र सरकारी विधि महाविद्यालय होने के कारण अधिकांश विद्यार्थियों के स्वप्न रोते हैं, जितने भी ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं सभी विधि महाविद्यालय के अलावा हमें बताते हुए दुर्भाग्य है कि पाली विधि महाविद्यालय के जिसकी अंदर इस महाविद्यालय से भी ज्यादा कमियां है उसको मान्यता दे दी गई है, लेकिन अजमेर की आज ये विधि महाविद्यालय इस समस्या से जूझ रहा है। इसके निराकरण के लिए छात्र संघ पदाधिकारी ने निर्णय लिया है कि मान्यता के लिए हर संभव प्रयास करेगा, चाहे इसके लिए जितना भी उग्र आंदोलन करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज आपने क्या किया? आज हम लोगों ने महाविद्यालय का के सबसे पहले छत के ऊपर चढ़े, उसके बाद में महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों के नेतृत्व में मुख्य द्वार को बंद किया गया है। ये सांकेतिक बंद था, यदि अभी भी प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम महाविद्यालय को निश्चित रूप से बंद कर देंगे जब तक मान्यता नहीं मिलती है, और ये जितना भी आक्रोश विद्यार्थियों के अंदर फैल रहा है इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है। रचित कचावत, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय विधि महाविद्यालय।